आज संडे है, 7 जुलाई। देखिए 7 जुलाई और पौने, मतलब अभी 8 मिनट रहते हैं 7 बजने को सुबह के। हेलो गाइज, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप अपने घर में खुश होंगे और सुरक्षित होंगे। आप सभी का दोबारा से आज संडे को, 7 जुलाई को, आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइज, फिर से आज के दिन की शुरुआत करती हूँ। कल तो मैंने आपके साथ अपने ब्रेकफास्ट की रेसिपी के साथ आप बनी थी, और आज मैं भी, संडे है तो बेटा थोड़ा लेट उठेगा, तो इससे पहले मैं थोड़ा सा अपना घर का काम कर लेती हूँ। अभी मैं नहा के आ चुकी हूँ, 7 बज चुके हैं। नहा के मैं 6 बजे से जल्दी उठ गई थी, और मतलब आज तो फिर भी लेट उठी हूँ। मुझे नींद नहीं आती, सुबह के टाइम में जल्दी उठ जाती हूँ, और काम हो चाहे ना हो पर जल्दी उठना ही है। थोड़ा सा मैंने शुरुआत की है सर्वाइकल की, योगा के लिए वो योगा की है। थोड़ा सी हुई, मुझसे ज़्यादा नहीं हुई, पता नहीं क्यों। मैं योगा के काम के लिए बहुत आलसी हूँ, नहीं हो पाती मेरे से। तो फिर भी मैंने कोशिश की अपने आप में, मैंने जो भी योगा मैंने योग सर्वाइकल के लिए की है। और गाइस, अब मैं घर का काम कर लेती हूँ, ठीक है जी? और आप सभी मेरे साथ ऐसे ही बने रहे। गाइस, मैं घर का काम शुरू कर रही हूँ अपने बेड के ऊपर से, क्योंकि ये मैंने आज रजाई ली थी। मुझे रात को शायद थोड़ा, मुझे लग रहा था भी अंदर से मेरे को बुखार है और ठंड लग रही थी बहुत ज़्यादा, तो मैंने पंखा भी नहीं चलाया था। और मैं अब बिस्तर को, सबसे पहले बिस्तर उठा लेती हूँ, फिर घर का काम करूँगी। और गाइस, आप ऐसे ही मेरे साथ बने रहें और चलते हैं अपने काम की ओर। गाइस, जब से ये वाली सीट हमारे फर्श में लगाई है, तो इसका कलर ना मेरे पाँव में लग रहा है, और काले पाँव हो जाते हैं। इस करके मुझे अपनी चप्पल डालनी पड़ती है यहाँ रूम में भी, नहीं तो हम तो पहले पे नंगे पाँव ही चलते थे जब फर्श था सिंपल फर्श। और तो अब मुझे चप्पल लेके चलना पड़ता है इसके ऊपर, क्योंकि ये ना मतलब पाँव मेरे बिल्कुल गंदे हो जाते हैं इसमें, सारा पता नहीं इसका कलर निकल रहा है कि क्या है, सारा पाँव गंदे हो जाते हैं मेरे। राइस, मैं खा रही हूँ ब्रेड, और चाय, आप भी खा लीजिए। ये हो रहा है मेरा ब्रेकफास्ट, अभी 10 बजे हैं सुबह के। आज लेट हो गए हम, मैं तो ऐसे, मेरा कोई टाइम टेबल नहीं होता खाने का, जब देखो खा लेती हूँ, जब भूख लगती है। वैसे कम भी भूख लगती है मुझे। गाइस, इसमें मैंने
सरसों तेल डाल दिया है और गर्म हो चुका है। अब इसमें मैं डाल दूंगी ये लहसुन और धनिया। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसकी। अब डाल दूंगी इसमें प्याज, क्योंकि अगर हम इसको बिल्कुल ब्राउन कर देंगे तो ये बाद में जल जाएगा, इसलिए इसमें हल्का हल्का सा ही इसको रोस्ट करके फिर इसमें हम प्याज डाल देंगे। जब तक ये ब्राउन हो जाता है और ये वाली सब्जी है, अब इसमें मैं मसाले डाल लेती हूँ। ये डालूंगी मैं सबसे पहले इसमें हल्दी, क्योंकि हल्दी हमेशा शुभ शुभ होती है। और अब इसमें डालूंगी मैं जग्गी मिर्च और ये धनिया डालूंगी थोड़ा सा, और ये डाल दिया नमक। और अब डाल दूंगी इसमें मैं थोड़ा सा किचन किंग। गाइस अब मसाला पक चुका है और अब इसमें डाल दूंगी मैं, अब डाल दूंगी इसमें टमाटर का पेस्ट। थोड़ी सी थोड़ा सा इसमें पानी डाल के थोड़ी देर के लिए मैं इसको मसाले को पकने दूंगी और टमाटर को भी पकने दूंगी, और फिर डाल देंगे हम इसमें सब्जी। गाइस तो ये मसाला ऐसे तैयार हो चुका है, पक चुका है, और अब मैं इसमें सब्जी डाल देती हूँ। गाइस अब इसमें मेरी सब्जी डाल दी है और जब पक जाएगी तो आपको मैं बताऊंगी क्या हुआ। अच्छा ठीक है गाइस, ये जो ना इसमें ना हरे साग है, तरी है, इसी से ये हमारी सब्जी बनेगी। एक्स्ट्रा पानी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी और सारा ये पानी सूख जाएगा और बहुत ही टेस्टी बनेगी, मुझे विश्वास है बिल्कुल। और मैं आपको खा के बताऊँगी कि इसका टेस्ट कैसा बना, और आप भी फिर ऐसे ही इसी ही तरीके से सब्जी बनाएं। गाइस ये बनाई थी मैंने सब्जी, और ये है चपाती। कैसे लगी बताना आप।